लिंग का दिमाग। टाइटल पढ़ के हंसी आ रही है, हंसो मत क्योंकि ये सच है, लिंग का भी अपना दिमाग होता है। वैसे तो लिंग के खड़े होने के पीछे सेक्स या सेक्स करने की चाहत ही जिम्मेवार होती है, लेकिन फिर भी पुरुषों के लिंग के उत्तेजन पे उनका जो नियंत्रण है वो ना के बराबर होता है। या तो हवा से या फिर यूरिन पास होने की जरूरत पड़ने पर उसमें उत्तेजना पैदा हो ही जाती है और वो टन से खड़ा हो जाता है। और कभी कभी तो बिना सेक्सुअल डिजायर के भी अंदर कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है, आप गहरा आराम फरमा रहे हैं अपने बिस्तर पर, तब भी अचानक से उसमें उत्तेजना आपको देखने को मिलती है। रात में भी कम से कम 3 से 4 बार आपको अपने पीनस में वो एकदम से उत्तेजना महसूस होती होगी कि लिंग उठ के खड़ा हो जाता है। और यही अनचाहा उत्तेजन युवा वर्ग के लड़कों में तो ज्यादा देखने को मिलता है और परेशान रहते हैं कि यार कभी भी टन के खड़ा हो जाता है। तो है ना, लिंग का अपना दिमाग, सुनता है वो किसी की। तो मजाक मजाक में आपके इस विशेष अंग के बारे में आपको काफी सीरियस बातें मैं बता चुकी हूँ, और बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि आपके इस खास अंग के बारे में मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो नंबर वन, उत्तेजना और डिस्चार्ज होने से पहले, कोई भी पुरुष जब उत्तेजित होता है सेक्स के प्रोसेस के दौरान, जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने वाला होता है और उसके अंदर जब एक्साइटमेंट पैदा हो रही होती है तो उसके पीनस में से कलरलेस फ्लूइड निकलता है। अब इसके पीछे भी अपनी एक साइंस है क्योंकि ये वही कलरलेस फ्लूइड होता है जो आपके मूत्र मार्ग को साफ करता है और आपके शुक्राणु को जिंदा रहने में मदद करता है, क्योंकि ये वही शुक्राणु होते हैं जो किसी फीमेल योनि में जाके प्रवेश करते हैं और बच्चा पैदा करने में सहायक होते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, लिंग टूट भी सकता है। अगर किसी पुरुष के पीनस में वो स्ट्रॉन्ग इरेक्शन रहता है, वो सख्त रहता है, मजबूत रहता है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सख्त लिंग के टूटने और फ्रैक्चर होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। और ये खासकर तब होता है जब मेल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और एक्सपेरिमेंटल नेचर के होने की वजह से वो आक्रामक सेक्स के अलग अलग तरीके से सेक्स करने की या पोजिशन ट्राई करने की चाहत में लगा हुआ होता है कि यार ऊपर बैठा के करूं, नीचे लिटा के करूं, टांगे ऊपर करके करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, तो इस प्रोसेस के दौरान वो ध्यान नहीं देता और फ्रिक्शन के चलते कभी कभी उसके पीनस में फ्रैक्चर हो सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, उत्तेजना और वीर्य के डिस्चार्ज होने के बाद जो लिंग है वो चोचू सा बन जाना उसका स्वाभाविक है, पीनस जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। चलो खैर, साइंटिफिक वे में बता देती हूँ, जब किसी पुरुष का डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके पीनस में जो इरेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो वो अपने पुरानी स्टेज में वापस आ जाता है। सच कहूं तो लिंग में उत्तेजना का पैदा होना एक कुदरत का उपहार है। शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी सख्त हो जाता है, कभी ढीला हो जाता है, जादू सा नहीं लगता आपको? इस अपने इस उपहार का जो प्रकृति ने आपको दिया है इसका ख्याल रखें, इसकी देखभाल रखें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें और इसकी ऑयल मसाज करें। ये सिर्फ आपकी जरूरत नहीं बल्कि किसी और की भी जरूरत है।